सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के हरतुआ गांव में जमीन विवाद को लेकर आज दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट की घटना में दो पक्षों से कई व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घायलों में एक पक्ष से रामजतन राम, अनिकेत कुमार, अभिषेक कुमार जबकि दूसरे पक्ष से युधिष्ठिर गिरी, अर्जुन गिरी के नाम शामिल हैं। इनकी माने तो विवादित जमीन गैर मजरुआ है, परंतु घायल रामजतन राम ने बताया कि उसके और उसके परिवार वालों के नाम पर अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम है और यह उनकी जोत की जमीन है। इस जमीन पर साल बसाल लगान अदा कर लगान रसीद व प्राप्तकर्ता चला आ रहा है। विवाद राजस्व गांव हरतुआ की खाता नंबर 179 अंतर्गत प्लॉट नंबर 636 में रकबा 5 एकड़ 45 डिसमिल पर है। प्रथम पक्ष से रामजतन राम ने आगे बतलाया कि इसी जमीन पर उसका पैतृक घर है और जमीन की घेराबंदी का कार्य शुरू करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने संगठित रूप में मारपीट की घटना को अंजाम दिया। रामजतन राम ने कहा कि मामला घटना के पूर्व ही थाना में पहुंचा था, जहां थाना प्रभारी वीरेंद्र मिंज द्वारा दोनों पक्षों की कागजातों का अवलोकन कर जमीन की घेराबंदी करने का आदेश उन्हें ही दिया गया था, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा जमाबंदी के खिलाफ आयुक्त और अपर समर्था की अदालत में वाद लाया गया था, जहां दूसरे पक्ष की अपील खारिज हुए थे। लेकिन अब विपक्षी मारपीट पर उतारू हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से शंकर गिरी और परिजनों ने बताया कि यह जमीन उनके पूर्वज की भूमि है, हल सर्वे में उनका नाम दर्ज है और यह जमीन पूर्व में ही दो हिस्सेदारों द्वारा खरीदा गया था, जिसकी मालगुजारी रसीद वर्ष 2009 तक कटते आया है। गिरी परिवार ने दावा किया कि जमीन का मालिकाना हक उनका ही है। फिलहाल मामला एक बार फिर से थाना में पहुंच चुका है और पुलिस ने दर्ज मामले पर तहकीकात शुरू कर दी है।